हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करी डिलाइट। और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए रामनवमी स्पेशल दाल पराठा और पम्पकिन की सब्ज़ी लेके आई हूँ। ये बहुत फेमस है बिहार और यूपी में, और रामनवमी में ये सभी के घरों में ये ज़रूर बनती है। तो वही रेसिपी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चना दाल लिया है और इसको मैंने सोक किया है 6 से 8 घंटे, और इसको प्रेशर कुक कर लिया है मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ। और आपको इसको 80% ही इसको बॉईल करना है और उससे ज़्यादा नहीं बस। और इसको आप एक ब्लेंडर में अच्छे से इसका मिक्सर रेडी कर लीजिए। बहुत फाइन नहीं होना चाहिए, कोर्सली होना चाहिए, और इसका बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट ना बना दें, अदरवाइज़ ये बहुत चिपचिपा सा बन जाएगा। ये वाली कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, दरदरी सी। और बस आप इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, वैसे मैंने बॉईल करने के समय थोड़ा सॉल्ट डाला था, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही टेस्ट करके सॉल्ट ऐड कीजिए। थोड़ा सा अजवाइन और भुना जीरा, ये सभी को डाल के आपको मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस ये देखिए कितना कोर्सली सा एक मिक्सचर रेडी है। ये ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि पराठों में अच्छी तरह से फिल हो सके। बस ये मैंने डो रेडी करके रखा है, और ये हमारे मिक्सचर और थोड़ा सा आटा, सूखा आटा। बस हम अब सारे मिक्सचर को अपने आटों में डाल के अच्छे से फिल करेंगे। जैसे आप पतली रोटियां बनाते हैं वैसी इसकी पतली सी रोटी आपको बनानी है, बहुत मोटा नहीं रखना है। तो ये मैंने एक गोली ले ली है बॉल, और उसमें आप फिल कर लीजिए अपने दाल को, और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए आपको एक फर्म सा बॉल रेडी करना है आटे का। ये देखिए ऐसे करते हुए आप एक अच्छा सा फाइन सा एक बॉल रेडी कर लीजिए, और कहीं से इसके एजेस खाली ना हो, अदरवाइज़ दाल निकल सकती है। बस इसको हल्का सा आपको प्रेस करके आपको इसको अच्छे से हल्के हाथों से इसको बेलना है, अदरवाइज़ ये दाल निकल जाती है। ये देखिए बेलने से पहले मैंने इसको अच्छा सा अच्छे से सब तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लिया है। बस आप एक सूखा आटा लगाकर इसको हल्के हाथों से आप बेल लीजिए। बहुत हल्के हाथों से आपको इसको बेलना है, ये देखिए। और ये जो दाल आपको ऊपर दिख रही है, ये उसके थोड़ी थोड़ी चंक्स मैंने रहने दिए हैं। ये बहुत अच्छी लगती है खाने में जब आपके मुंह में आती है, ये देखिए। और आपको ऐसा पतली सी रोटियां जैसी आपको बेल कर रेडी कर लेनी है, बहुत मोटा ना रखे, अदरवाइज़ ये सॉफ्ट नहीं बनती है। बस ऐसे हम सारे अपने रोटियों को बेल के रख लेंगे। बस अब हम इनको थोड़ा सा तेल लगा कर इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक पैन रेडी कर लिया है, और अब इसको हीट करके आप इसमें सारे अपने दाल पराठा डाल दीजिए, और हल्का हल्का प्रेस करके इसको दोनों साइड से आपको अच्छे से सेक लेना है। एक से दो मिनट लगेंगे ईच साइड को पक जाने के लिए। बस इसको अच्छे से आपको घुमा के अच्छे से चारों तरफ से आप इसको पहले सेक लीजिए ऑयल लगाने से पहले। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें सिक गई है एक तरफ से। बस हम इसमें ऑयल लगाएंगे, ऑयल घी जो चाहें आप लगा सकते हैं, मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, ये देखिए। और आप इसको पलट के दूसरी तरफ भी आपको अच्छे से इसको ऑयल कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आ रहा है, और ये सब तरफ से कितनी अच्छी से सिक रही हैं। बस और इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमने रोटियां बहुत ही पतली बेली हैं। बस एक अच्छा सा एक फ्राई सा आपका आ जाए लुक, तो बस ये आपकी रेडी है सारे पराठे। बस इसको अच्छे से थोड़ा प्रेस करके आप सेक लीजिए। बस ये आपकी इसका पराठा रेडी है, और ये ऐसे ही हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे जैसे हमने ये वाला रेडी किया है। ये देखिए ये रेडी है, और ऐसे ही हम सारे पराठे अपने रेडी कर लेंगे।
अब मैं आपको पम्पकिन की सब्ज़ी बनाती हूँ जो इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैंने 1/2 kg पम्पकिन लिया है, येलो वाला लीजिए, बहुत अच्छा इसका मीठा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी मिर्च और पंचफोरन हमें लेना है, बस इन तीन चीज़ों से ये सब्ज़ी, और इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। बस आप इसमें 2 tablespoons ऑयल डाल दीजिए कढ़ाई में, और इसमें हमने जो 2 मिर्ची छोटी छोटी कट करके रखी थी उसको आप डाल लीजिए ऑयल में, और अपने पंचफोरन जिसमें मेथी सीड्स, सरसों सीड और मस्टर्ड और थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा ज़ीरा जाता है, ये 4-5 से आपके पंचफोरन रेडी हो जाते हैं। बस इसको मिक्स करके आप ऑयल में हल्का सा इसको ब्राउन कर लीजिए, गोल्डन ब्राउन, और हम इसमें अपने सारे फाइनली जो कट करके हमने पम्पकिन रखे हैं वो हम डाल देंगे। ये देखिए बहुत मैंने पतली पतली इसको फाइन कट किया है, और ये बहुत ही जल्दी 6 से 8 मिनट में ये पक जाती हैं अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कट करके फाइनली कट करके रखा तो। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब्ज़ी बनने में, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मीठी मीठी सी ये सब्ज़ी बनती है। ये देखिए सभी को मैंने डाल दिया है, और आप इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी हल्दी, बस ये 2 मसाले ही इसमें जाएंगे, और आप इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसको ढक के 6 से 8 मिनट के लिए आपको इसको पकाना है। और ये अभी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, बट ये गल जाने के बाद ये बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही यम्मी लगती है दाल पराठे के साथ। ये देखिए, और मैंने इसमें कुछ भी पानी वगैरह कुछ नहीं डाला था, बट ये नमक डालते ही इसमें पानी अलग होने लगा है सब्ज़ी से। और ये देखिए 6 से 8 मिनट में ये पम्पकिन पक चुका है, बस आपको इसको हल्का सा मैश कर देना है। ये देखिए अच्छे से इसको मैश कर देना, क्योंकि ये पक चुकी है, बस आप इसको मैश करके इसके सारे पानी को आपको सुखाना है, और ये आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। एंड में मैंने इसमें 1 tablespoon लेमन जूस डाला है, और 1/2 tablespoon आप इसमें शुगर डाल दीजिए। बस इन दोनों को डालने के बाद आपको इसको अच्छे से चलाना है, और इसका सारा पानी आपको ड्राई कर देना है, और आपको इसमें ये वाला सब्ज़ी का ये टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ड्राई ना करे, थोड़ा सा पानी आप इसमें रहने दें। बस ये रेडी है, और आप इसको फ्लेम ऑफ करके आप इसको बाउल में आप सर्व कर लीजिए। ये देखिए ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है पंचफोरन के साथ, जब इसमें मुंह में आपके पड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो आप इस सब्ज़ी को ऐसा ही बनाइए, इसमें किसी मसाले, टमाटर, प्याज किसी की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी ही बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब हम इसको सर्व करेंगे अपने पराठे के साथ। ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है, लाइट येलो ऑरेंज जैसा। बस अब अपने पराठों के साथ इसको सर्व कीजिए, और रामनवमी स्पेशल इस दाल पराठा और सब्ज़ी का को इंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आल्सो लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।